आज का ये वाला एडिटिंग वीडियो काफी नहीं काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जैसे कि गाइस अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज मैं आप लोगों को इस तरह के वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ। अगर गाइस आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आप भी इस तरह का फेक चैट रील्स बनाकर अपलोड करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई 70% लोगों का वीडियो वायरल जा सकता है। तो बनाना कैसे है तो चलिए एक एक स्टेप के साथ मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको अपने फ्रेंड के साथ एक चैट का प्रैंक करना है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, भाई हमारे पास तो कोई GF BFP नहीं है, प्रैंक किसके साथ करें? तो मेरे पास सारा सुविधा है भाई। अब देखो, प्ले स्टोर पर एक फेक चैट क्रिएट करने वाला एप्लीकेशन है जिसका नाम है बार्ड स्मोक। एप्लीकेशन का नाम आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये वाला एप्लीकेशन फेक चैट बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे गाइस आपको देखना है, जैसे कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पे मैंने दो कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आपको यहाँ पे दो चैट कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है भाई, एकदम फेक है, कोई रियल नहीं है। अब ऐसा ही कॉन्टैक्ट आपको बनाना है तो आपको नीचे चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे जाना है। अब देखो, यहाँ पर यूजर नेम वगैरह डालना कोई ज़रूरी तो नहीं है, वैसे अगर आप अपने हिसाब से डाल भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। तो आपको डायरेक्टली इसको सेव कर देना है क्योंकि अभी फिलहाल आपको प्रैंक करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैट बनाया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर समझना ज़रूरी है, आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट मिलेगा तो यहाँ पे जाना है। अब आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे आपको सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पे जाओगे, अब आपको ओपन सेटिंग पे जाना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, जैसे कि पहला तो ये जो रियल मोड है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका जो बटन है ना ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे थीम मिलता है आपको पहले नंबर पे ही मिल जाता है। आप यहाँ पे लाइट मोड रखना चाहते हो या फिर डार्क मोड, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे कि डार्क मोड में यहाँ पे ब्लैक चैट हो जाता है, आप यहाँ पे ब्लैक चैट का स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो या फिर व्हाइट कलर का। फिलहाल तो मैं डार्क वाला ही आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा था। आप यहाँ पे कभी लाइट कभी डार्क दोनों प्रोसेस से आप यहाँ पर अपना वीडियो क्रिएट कर लेना, बात सेम ही है। अब देखो, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ फेक प्रैंक करना है तो आपको सबसे पहले एक मैसेज टाइप करना है। नेक्स्ट, आपको अपनी तरफ से सेंड करना है या फिर उसकी तरफ से, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से किया ये वाला मैसेज, एंड ये वाला जो मैसेज है ना मैं अपनी फ्रेंड तरफ से सेंड करूँगा। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपको दो ही साइड सेंड का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप उधर से करना चाहते हो या फिर इधर से करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे ज़्यादा लंबा चैट नहीं करना है, ओनली 2 से 3 लाइन का ही करना है, और अच्छा सा चैट होना चाहिए, कोई फनी सा होना चाहिए, और मतलब अच्छा चैट होना चाहिए। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि भाई मैसेज तो आपने सेंड करना सीख लिया है, लेकिन भाई चैट कैसा प्रैंक करें जो कोई अच्छा सा हो, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एक ट्रिक बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों ने जो चैट प्रैंक किया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ध्यान दें, यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा चैट नहीं करना है, आपको ओनली 1-2 लाइन का ही चैट क्रिएट करना है। जैसे कि 3-4 लाइन का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने किया है ना। अब आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में जाना है। नेक्स्ट, आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। अब यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है। अब देखो, आपने जो चैट का स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको क्रॉप करना पड़ेगा, तो जो मैसेज है ना आप ओनली इसी को क्रॉप कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, मैसेज को क्रॉप करना है। अब आपने इसको क्रॉप कर लिया है तो थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा कर बीचावी सेंटर में ऐड कर देना। अब आपको इसी के ऊपर इसी के साइज से आपको शेप लगाना है, तो प्लस पे जाके शेप्स को सिलेक्ट करना है। अब देखो, आपने यहाँ पे जो शेप्स लगाया है ना, आपको नीचे देखना है इसका ओपेसिटी मिलेगा, ओपेसिटी को मैक्सिमम 3 या फिर 4 करना है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आपको जो आपने प्रैंक वाला चैट लगाया है सेम उसी के साइज के हिसाब से आप लोगों को उसी के ऊपर चढ़ाना है, बिल्कुल कवर की तरह। अब देखो, अगर आपके शेप्स में शैडो नहीं लगता है तो आपको बैकग्राउंड का जो इमेज है ना उसमें शैडो इनेबल कर देना है। नेक्स्ट, आपको कवर की तरह उसको बिल्कुल जस्ट उसी के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक नीचे टेक्स्टर मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको अगेन वही वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट, आपको सेम पहले की तरह क्रॉप करना है, जो आपने पहली बार किया था ना सेम उसी के साइज के हिसाब से क्रॉप करना है। अगर फिर भी एडजस्ट नहीं होता है तो आप आगे पीछे छोटा बड़ा कर इसको एडजस्ट कर लेना, शैडो वगैरह आप लगा लेना। फिलहाल मेरा शैडो नहीं लगता है तो मैंने जुगाड़ के हिसाब से पीछे वाले इमेज में शैडो लगाकर इसको एडजस्ट किया है। साथ में एक छोटा सा काम कर लेना, स्टोरको को इनेबल कर लेना, बाकी आपका ये वाला काम यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। अब आपको नीचे 4th नंबर पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर इसको PNG बना लेना। अब आप इसको पिंक क्वालिटी अल्ट्रा कर सेव कर लेना। अब देखो गाइस, आपका चैट वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अपना वीडियो एडिट करना है तो बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो XML इंपोर्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पर जाना है, इंस्टाग्राम रील वाला साइज सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। अब देखो, यहाँ पे जो प्लस का आइकन है तो यहाँ पे जाना है। अब आपको जाना है मीडिया वाले सेक्शन में। अब थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि आपका ही काम है मेरे
ओके भाई, अभी आप यहाँ पे जो फोटोज़ देख पा रहे हो, इस तरह के काफ़ी सारे अनलिमिटेड फोटोज़ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको कमी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के फोटोज़ के अलावा कोई बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करना चाहते हो तो वो तो आप लोगों को कहीं से उठाना पड़ेगा रोमांटिक वीडियो। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन भाई मैं सजेस्ट करूँगा फोटो के साथ में बनाना, क्योंकि फोटो के साथ में थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखो ये वाले जो फोटोज़ है ना टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जो भी पसंद आ रहा है ऐड करना है, फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपको लेयर का टाइमिंग यहाँ पे बढ़ा लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम 8 सेकंड का बनाना चाहता हूँ। फोटो में इफेक्ट लगाना आसान है, इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाना है, नेक्स्ट आपको हॉट कलर लिख के यहाँ पे सर्च करना है। स्क्रीन पे नेम शो कर रहा है इफेक्ट का, हॉट कलर। जब आप इफेक्ट को यहाँ पे सर्च करोगे आपके सामने इफेक्ट आता है, सिलेक्ट कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रहा है ना, आपको इसको इधर की साइड में ले जाना है, इधर की साइड मतलब पिंक कलर में ले जाना है। जैसे कि यहाँ पे जो गुलाबी वाला कलर होता है ना, पिंक कलर, उसी के साइड में ले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा वाला ओपेसिटी है, इसको थोड़ा नीचे की साइड में स्लाइड करना है, इससे जो कलर है ना थोड़ा गट्टा टाइप में हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप इस तरीके से पिंक कलर को एडजस्ट कर लेना। अब आपको यहाँ से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखो और इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से बैक आइएगा, साथ में आपको इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बैप बर्प लिख के सर्च करना है। इफेक्ट का नेम स्क्रीन पे शो कर रहा है, बैप बर्प। जब आप इफेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे अब आपको सेटिंग पे जाना है। अब देखो ओपेसिटी को एडजस्ट करना है, बहुत ही आसान है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में रहना है। लेयर के स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे जो की फ्रेम है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो की फ्रेम लगाना है। नेक्स्ट आपको लेयर के एंड में जाना है। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी है पहला वाला पेज वाला, इसको आपको 2.00 करना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा नीचे देखना है, यहाँ पे जो एंगल वाला ओपेसिटी है इसको 30 डिग्री करना है, यानी कि मैक्सिमम 30 डिग्री। एंगल के नीचे आता है स्पेजिंग, स्पेजिंग में 7.0 करना है। अब देखो स्पेजिंग में 7.0 करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड पे जाना है, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम 1.0 करना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। जैसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप के साथ में सारा ओपेसिटी सही से एडजस्ट करना है। अब देखो यहाँ से बैक आने के बाद एक और इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। ये वाले इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल से आपको सर्च करना है लेंस ब्लर। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेंस ब्लर सर्च करोगे इफेक्ट आपके सामने आता है, तो इफेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा। इसका ओपेसिटी बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे जो सेंटर वाला ओपेसिटी मिलता है पहले नंबर पे, उसमें एक्स और वाई मिलेगा, तो यहाँ पे जो एक्स है ना उसमें 60 कर देना है। 60 करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको अगेन एक बार फिर बैक आने के बाद इफेक्ट पे जाना है। जैसे आप इफेक्ट पे जाओगे अब आपको सर्च में जाके गीजियन ब्लर लिख के सर्च करना है। जब आप गीजियन ब्लर टाइप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इफेक्ट आता है, सिलेक्ट करना है। अब इसका जो ब्लर है ना आप अपने अकॉर्डिंग दे लेना, जैसे कि मैक्सिमम यहाँ पे आप देख लो 80 तक आपको देना है, 0.080 सेम इतना ही ब्लर देना है। अब आपका ये वाला जो फोटो वाला काम था ना ये तो कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको अपने लेयर के स्टार्टिंग में रहना है, देन आपको प्लस पे जाके अगेन आपको मीडिया पे जाना है। अब आपने जो चैट वाला PNG बनाया था ना, जो चैट क्रिएट किया था, चैट का PNG यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट आपको मूव वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे मूव मिल जाता है। जैसे आप मूव पे जाओगे आपको जो पहला नंबर का ऑप्शन है यहाँ से आप इसको वाइप कर पाओगे, यानी कि सॉरी स्वाइप कर पाओगे। थर्ड वाले ऑप्शन से आप इसको जूम और जूम आउट कर पाओगे, तो आप इसको बीच-बीच सेंटर में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बाकी आप लेयर का टाइमिंग अपने फोटो के हिसाब से कर लेना, जितना फोटो का लेयर का टाइमिंग है उतना ही चैट के लेयर का टाइमिंग होना चाहिए। अब आपको चैट के लेयर पर क्लिक कर इफेक्ट पर जाना है। जैसे आप इफेक्ट पर जाओगे एड इफेक्ट पर जाना है। अब आपको सर्च में जाना है। अब देखो पहले की तरह आपको वेब पर्प लिख के सर्च करना है, तो आपको सेम टू सेम वेब पर्प को, पहले वाले वेब पर्प को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसका ओपेसिटी थोड़ा अलग होगा। ओपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो पहला वाला ओपेसिटी है, पहला वाला लेंथ है, इसका ओपेसिटी 3.00 करना है। आप यहाँ पे देख लो 3 तक। अब आपको यहाँ पे जो लेंथ है इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। जैसे आप की फ्रेम लगाओगे अब आपको लेयर के एंड में जाना है। नेक्स्ट आपको जो पहला वाला ओपेसिटी है जो आपने 3 किया था, इसको घटाकर 0.19 कर देना है, यानी कि 0.90 कर देना है। आपका यहाँ पे पहला वाला ओपेसिटी कंप्लीट। अब आपको एंगल के नीचे देखना है, यहाँ पे स्पेसिंग मिलेगा, तो जो स्पेसिंग का ओपेसिटी है ना इसको करना है 3.0। आप यहाँ पे देख लो 3.0। अब आपको स्पेसिंग के जस्ट नीचे देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका जो ओपेसिटी है इसको 1.5 करना है। बस आपको इतना सा स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, आपका ये वाला जो काम है ना कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद एक और इफेक्ट लगाना है, तो सेम टू सेम इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाना है, नेक्स्ट आपको स्ट्रिप्स लिख के सर्च करना है।
जब आप स्ट्रिप्स वाले इफेक्ट को वीडियो में लगाओगे तो वीडियो की जिंदगी बदल जाएगी। देखो करना क्या है, जब आप इफेक्ट को ओपन करोगे तो आपको थोड़ा नीचे देखना है, यहाँ पे कलर मिलेगा, तो कलर पे आके आप लाइन जो है ना उसमें व्हाइट वाला कलर लगा देना। कलर को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको पहले नंबर पे जो काउंट वाला ओपेसिटी मिलता है, तो जो काउंट वाला ओपेसिटी है ना इसको थोड़ा डाउन करना है, मैक्सिमम आप यहाँ पे कर देना 3.5। जब आप काउंट के जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पे विड्थ मिलेगा तो उस पे जाना है। अब इसका जो ओपेसिटी है इसको करना है 0.17। इसको 0.17 पे स्टॉप करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यानी कि आपको सबसे पहले अपने लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। नेक्स्ट आपको जो फेस वाला लेंथ है इसको आप लोगों को बढ़ाना है, ध्यान दें इसको 2 पॉइंट पे मत करना, आपको मैक्सिमम 1.00 पे रहने देना है। इसको 1 पॉइंट पे स्टॉप करने के बाद आपको लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। की फ्रेम लगाने के बाद आपको लेयर के एंड में जाना है, फेस वाले ओपेसिटी को बिल्कुल 0 पे कर देना है। ये वाला काम यहाँ पे हो जाता है, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे स्मूथिंग मिलेगा, स्मूथिंग वाली ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ाना है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना, जैसे कि मैक्सिमम 135 से 40 तक आपको करना है। अब देखो काउंट के नीचे जो विड्थ वाला ओपेसिटी है इसको 0.50 कर देना है, मैक्सिमम 0.50। अब देखो थोड़ा नीचे आप जाओगे ना, यहाँ पे स्मूथिंग को एडजस्ट करना है, इस बार आप इसको 300 तक कर देना है, यानी कि 300 प्लस कर देना, 380 तक ले जाना आप, 385-80 तक, तो आपका ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपने यहाँ पे जो लाइन वाला इफेक्ट लगाया होगा स्ट्रिप्स वाला, वो वाइट वाली चैट में ज़्यादा शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्लैक वाला चैट लगाओगे ना तो वो इस तरीके से शो करेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डाउन भी कर पाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिलहाल तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे ब्लैक और वाइट यानी कि लाइट और डार्क वाला चैट यहाँ पे एडिट कर पाओगे, तो आप यहाँ पे समझ चुके हो किस तरीके से वीडियो बनाना है। साथ में अपना नेम ऐड करना है, बहुत ही आसान है, आप अपना पिक्सल लैब से कुछ इस तरह का PNG में नेम बना लेना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो आप एक नेम बनाकर आप यहाँ पर नीचे लगा देना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुक पे जाके आप आसानी से लगा पाओगे। साथ में ब्लेंडिंग पे जाके थोड़ा ओपेसिटी को डाउन कर देना, लेयर के टाइमिंग को आप एडजस्ट कर लेना, आपका वीडियो यहाँ पे बनकर रेडी। अब देखो अगर आप ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जहाँ पर भी अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वहीं से आपको यूज करना है ट्रेंडिंग वाला। अगर आप अभी भी इफेक्ट को एडजस्ट करना नहीं सीख पाए हो तो आप ये वाला वीडियो देख लो, XML यूज करना सीख लो, तो जाओ और जल्दी देखो।